हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके घर पे जो डॉग है वो भी बहुत अच्छा होगा। और अगर हमें डॉग को मोटा ताज़ा करना है, तगड़ा बनाना है, अग्रेसिव बनाना है, तो आपको हमारे ये वीडियो अंत तक देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम डॉग को मोटा करने के जो उपाय, जो नुस्खे लेके आए हैं, वो रामबाण नुस्खे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से आपके डॉग पे काम करेंगे। तो साथियों, मैं हूं दीनदयाल रामावत और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल डीडी रामावत में, जहां पे हम डॉग सेक्शन में हमेशा डॉग से जुड़ी हुई कोई ना कोई जानकारी, किसी ना किसी समस्या का समाधान, किसी ना किसी बीमारी के इलाज, रखरखाव, कारण, लक्षण, बचाव के उपाय सब आप तक लेके आते हैं। तो उसी प्रकार से आज हम कुत्तों को, हमारे डॉग को मोटा तगड़ा बनाने का फॉर्मूला लेके आए हैं। तो आइए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, हर भाई की ये तमन्ना होती है, ये सपना होता है कि उसके घर पे जो डॉग है वो डॉग दूसरे के डॉग की बजाय अच्छा दिखे, यानी वो एकदम से हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। और जिस पर्पज के लिए हम डॉग रख रहे हैं, यानी घर की रखवाली के लिए, तो वो डॉग वो काम बखूबी कर सके। तो वो बखूबी काम कैसे करेगा? वो अग्रेसिव रहेगा, वो देखने में एकदम से मोटा ताजा तगड़ा रहेगा, तो वो काम बखूबी कर पाएगा। तो साथियों, इसके लिए जो पहला काम हमें करना है, वो काम करना है, हमें कुत्ते की डीवॉर्मिंग करवानी है, यानी पेट के कीड़े मारने की जो दवा है वो हमें देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए साथियों, मैंने अलग से वीडियो आपको बताया है, उस वीडियो में आप जाकर के अच्छी तरह से देख सकते हैं कि हमें किस प्रकार से डिवॉर्मिंग करनी है। इसके अलावा एक टेबलेट जो मैं अभी आपको बता देता हूं इस वीडियो में भी, उसका नाम है आइवरमेक्टिन। यानी आइवरमेक्टिन आप 5 से 10 mg की जो टेबलेट है वो आप अपने डॉग को दे सकते हैं, बड़ा डॉग है तो उसमें अच्छी तरह से डिवॉर्मिंग हो जाएगी। इसके अलावा डिवॉर्मिंग की जितनी भी दवाइयां हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो आपके लिए बना ही दिया है, आप तक पहुंचा ही दिया है, उसे आप देख लें, अभी एंड स्क्रीन में और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। यानी पहला जो हमें काम करना है वो है हमारे डॉग की डिवॉर्मिंग करवानी है, क्योंकि साथियों अगर पेट में कीड़े रहेंगे तो जो भी हम नुस्खा उस पर इस्तेमाल करेंगे, जो भी खाना उसको हम देंगे, वो खाना उसके किसी भी प्रकार से काम नहीं आने वाला है। और साथियों, खाने में भी क्या क्या डॉग को देना है उसके लिए मैंने आपको अलग वीडियो में बताया है, जो आई बटन और एंड स्क्रीन पर है वो भी आप देख लें, ताकि आपको पता चल जाए, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उनको भी पता चल जाए कि हमें डॉग को क्या क्या देना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में साथियों, मैं अपना पूरा फोकस जो है वो दे रहा हूं डॉग को मोटा तगड़ा करने का, जो अलग से फॉर्मूला है, अलग से जो चीज है वो हमें क्या खिलानी है ताकि हमारा डॉग एकदम से अग्रेसिव और मोटा तगड़ा दिखाई दे। भाइयों, जो डॉग वेजिटेरियन है, यानी उन्हें हम मांस, मछली या अंडे वगैरह नहीं देते हैं, जो डॉग वेजिटेरियन है उनको हमें मोटा कैसे करना है, उसके लिए मैंने एक विशेष फॉर्मूला तैयार किया है। उस फॉर्मूले में ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, हमें छेना तैयार करना है। छेना जो पनीर का ही एक रूप है, पनीर आप सभी जानते ही हैं, उसी का कच्चा रूप है, उसे छेना कहते हैं। छेना थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो छेना तैयार कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपके घर पे दूध तो आता ही है, और दूध में आप कोई भी खटाई, जैसे नींबू का शहद या नींबू डालेंगे तो वो फट जाएगा, और फटने के बाद कुछ ही देर में उस पर एक अलग से ऊपर परत बन जाएगी, वो तो रहेगा हमारा छेना, और नीचे जो पानी बचेगा वो पानी अलग हो जाएगा। तो ये छेना हमें अपने डॉग को देना है, और डॉग को कितनी मात्रा में देना है, पहले दिन आप उसे थोड़ा सा खिलाएं, अगर आपने पहले कभी नहीं खिलाया है तो थोड़ा सा खिलाएं, उसके बाद उसकी मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाते रहें, क्योंकि एकदम से अगर हम ज़्यादा दे देंगे तो हमारे डॉग को उल्टी या दस्त की शिकायत हो सकती है, यानी कि जो उसका स्टोमक यानी पेट उसको सूटेबल कर सके, उसको पचा सके, उस प्रकार से हमें थोड़ा थोड़ा देना है। इसके अलावा साथियों, जो छने के साथ दूध का जो पानी बचता है वो पानी भी बहुत ही पौष्टिक होता है, उसे भी आप थोड़ा 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 करके, पहले दिन 1 चम्मच दिया, दूसरे दिन 2 चम्मच दिया, बाय द वे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई है तो उसकी खुराक हम लगातार बढ़ाते रहेंगे, वो हमारे डॉग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथियों,
मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप ये फॉर्मूला 8-10 दिन इस्तेमाल करेंगे, जितने में आपको रिजल्ट आ जाएगा, यानी आपका डॉग एकदम से अग्रेसिव और मोटा तगड़ा दिखने लग जाएगा। दूसरे प्रकार के जो डॉग हैं वो हम रखते हैं नॉन वेजिटेरियन, यानी जिन्हें हम नॉन वेजिटेरियन आहार देते हैं, उनको भी अगर हम बराबर आहार दे रहे हैं और वो मोटे नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें डिवर्मिंग तो करवानी ही है, और डिवर्मिंग के बाद उन्हें जो आहार देना है उसमें ही रेगुलर आहार में ही थोड़ा सा चेंजेस करना है। रेगुलर आहार जैसे हम मटन ला करके उसको देते हैं, चिकन ला करके उसको देते हैं, तो जो मांस हम लाते हैं उसमें क्या होता है कि जो दुकानदार है वो जहां से भी हम मार्केट से लाते हैं वो क्या करते हैं, उसकी चर्बी जो है वो अलग निकाल देते हैं। तो हमें विशेष तौर से उन्हें कह करके चर्बी लेके आनी है, और वो चर्बी लगातार हमारा जो हम चावल बनाते हैं, जैसे डॉग को चावल देते हैं, तो चावल में ही, चावल के साथ ही उसे उबाल करके और आप दे दें, और चावल का जो पानी बचता है उसे भी आप थोड़ा 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 उसे देते रहें, जितना कि वो डाइजेस्ट कर सके, यानी पचा सके। इसमें साथ ही में विशेष ध्यान रखें, अगर उल्टी या दस्त की कोई भी शिकायत हो रही है तो उसकी खुराक जो है वो हम कम कर दें। इसके अलावा दूसरा जो उपाय है वो है अंडे की जर्दी। साथियों, मैंने आपने जो खाने वाला सेक्शन है उसमें जो डॉग को खाने लायक जो जो चीज़ें हैं वो मैंने बताई थी, उसमें मैंने बताया था कि अंडे आपको 3 या 4 अगर खिला रहे हैं तो जर्दी सिर्फ एक ही अंडे की खिलानी है। जर्दी क्या होता है, जो अंडे को जब हम उबालते हैं और उसके बीच में जो पीला सा पदार्थ होता है उसे हम जर्दी कहते हैं, आप सभी जानते ही हैं। तो वो जर्दी अगर हमें वजन बढ़ाना है तो 2 या 3 जितने भी हम अंडे उसको खिला रहे हैं उन सभी की जर्दी भी उनको डॉग को साथ में खिला सकते हैं, उससे भी वो बहुत जल्दी एकदम से मोटा तगड़ा और अग्रेसिव नजर आएगा। साथियों, अगर हमारे घर पे जो डॉग है वो एकदम से मोटा तगड़ा दिखेगा तो अपने आप जो भी नया आदमी आ रहा है उसको उससे डर लगेगा, और हमें डॉग को इस भोजन के अलावा अग्रेसिव कैसे बनाना है। अग्रेसिव का मतलब है कि वो जो भी बाहर से आ रहे हैं उनको वो बिल्कुल इशारा कर सके कि भाई यहाँ पे डॉग की सुरक्षा है, तो वो कैसे हमें उसको अग्रेसिव बनाना है उसके लिए हमने अलग से वीडियो तैयार किया है, वो आप आई बटन में या एंड स्क्रीन पे जाके देख सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में मैं सिर्फ अपना फोकस कुत्ते को मोटा करने पे दे रहा था। आशा है आपको मैंने जो ये दोनों नुस्खे बताए हैं वो आपको पसंद आएंगे, और अगर आप अपने डॉग पे अप्लाई करेंगे तो आपका डॉग जल्दी ही हेल्दी हो जाएगा और एकदम से मोटा तगड़ा दिखने लगेगा। तो साथियों, जो भाई पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं विशेष निवेदन करूंगा, जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे मैं विशेष निवेदन करूंगा कि नीचे जो लाल रंग वाला सब्सक्राइब वाला बटन है उसे आप जरूर दबा दें, ताकि इसी प्रकार से कुत्तों से संबंधित जानकारियां आप तक लगातार पहुंचती रहे। तो साथियों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो हमें कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कर दें। इसी प्रकार से हम कुत्तों से संबंधित जानकारियां अपने चैनल डीडी रामावत पे लगातार लेके आते रहते हैं। तो साथियों, मिलते हैं एक अलग वीडियो में अलग जानकारी के साथ नेक्स्ट टाइम। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।